चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा मस्जिद में बाबा प्रकट होने पर राहुल गांधी अब ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, कांग्रेस से हिंदू विरोधी बातें करती है। पातादेल में घर की छत में सो रहे तीन लोगों की हत्या, आदिवासी परिवार के तीन लोगों की गला काटकर हत्या, महिला का सिर काटकर सांस ले गया। और पिथौरा के सिन्हा ज्वेलर्स में चोरी का मामला, बीती रात दुकान का ताला तोड़कर घटना को दिया अंजाम, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम में घटनास्थल पर गया जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों के मध्यम पड़ते ही कई देशों की एम्बेसी जिसने फिर से काम करना शुरू कर दिया है, वहीं आज से भारतीय एम्बेसी भी काम करना शुरू कर चुकी है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास जो अस्थायी रूप से वर्षों से चल रहा था, 17 मई से कीव में अपना संचालन फिर से शुरू करेगा। दूसरी तरफ तुर्की ने नाटो में स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप पर रोड़ा अटका दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन का ये कहना है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हैं तो वो भी नाटो में उनकी एंट्री को मंजूरी नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां उपद्रवियों ने पत्थर फेंके और एक बाइक में आग भी लगा दी। इसके बाद पुलिस ने दुकानें बंद करवाकर उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भी बरसाएं, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि पथराव के दौरान स्थानीय GI भी घायल हो गए, तो वहीं उपद्रवियों को चिन्हित कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में है। नीमच का मामला हम आपको बता रहे हैं, दरगाह के पास हनुमान की मूर्ति पर बवाल हुआ। खताबिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक खताबिया उनका नाम है, नीमच संवाददाता है हमारे खबर भारत के लिए। दीपक, जिस तरह से स्थितियां बनी थी खरगोन के बाद नीमच की एक घटना, प्रशासन पर एक बार फिर से सवाल या निशान, क्या है पूरा मामला और कितने बजे की घटना होगी तकरीबन? मम्मी मुझे फोन लगा रही है, मुझे जा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि 24 घंटे में कोरोना के 19 मामले सामने आए हैं और 232 एक्टिव केस भी हैं। साथ ही नगर दो कार्यक्रम पर कहा कि शिवराज की विकास की सरकार है, शहर से लेकर ग्रामीणों में विकास लगातार जारी है। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्थापित कर रहे हैं। वहीं मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि जब इतिहास में नरगट हुआ है तो उसको ठीक करने का भी मौका मिलना चाहिए। मस्जिद में जब बाबा प्रकट हुए तो राहुल गांधी अब ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, कांग्रेस के नेताओं को सांप सूंघ दिया, कांग्रेस विरोधी हिंदू विरोधी बातें करती है, वो सिर्फ वोट के लिए हिंदू बनते हैं। उनमें से 19 पॉजिटिव केस आए हैं, टोटल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में 232 एक्टिव केस हैं। लगातार वैक्सीनेशन पर तेजी से काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हम और विस्तृत रूप से
वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जब भी भारतीय जनता पार्टी गरीब जनता के हित की कोई योजना लाती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति नेहरू के समय से रही है कि केवल नेहरू परिवार और कांग्रेस के गुर्गे ही सरकार का फायदा लें। पर भारतीय जनता पार्टी आम जनता और गरीब जनता के घर में हरियाली और खुशहाली लाना चाहती है। अब देखिए, ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में सब कुछ आ जाएगा, पर जिस प्रकार से कोर्ट ने कल उस क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश दिया है, यही इस बात को प्रकट करता है कि वहां भोले प्रकट हुए हैं। अब ऐसे दावे प्रत्यावे तो बाबरी के समय भी किए गए थे, वहां भी कोर्ट ने कलई खोल दी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। हिंदू विरोधी मानसिकता और तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वो हर समय अनर्गल बयानबाजी करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वो राष्ट्रदेव द्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो हर समय वो बात करते हैं जिससे विघटन पैदा हो। मंडला जिले के मोहगांव के पातादेही गांव से घर की छत में सो रहे तीन लोगों की हत्या का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात व्यक्ति ने आदिवासी परिवार के तीन लोगों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने महिला का सिर काटकर अपने साथ भी ले गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है, आरोपी की तलाश भी जारी है। मंडला से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आदिवासी परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई। खबर है तीनों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की, यही नहीं बल्कि आरोपी महिला का सिर काटकर अपने साथ ले गया। महासमुंद जिले के पिथौरा से चोरी का मामला सामने आया, जहां ग्यारह चोरों ने बीती रात सिन्हा ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा ले रही है। शाजापुर में विगत दिनों में शहीद दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर के सफल आयोजन पर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही इंदौर में आयोजित एक अवार्ड सेरेमनी में कलेक्टर दिनेश जैन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया, जिसमें जिले भर के रक्तदान दाताओं ने 2887 यूनिट रक्तदान किए। शाजापुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया था। अलीराजपुर से बीते दिन ड्राइवर सहित वाहन में आग लगने का यह मामला सामने आया, जहां छोटी पुल में पिकअप वाहन ने एक 8 साल की बालिका को रौंद दिया था, जिससे गुस्साए लोगों ने वाहन समेत ड्राइवर मगन सिंह को आग के हवाले कर दिया था। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, साथ ही एसपी कार्यालय में पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। गाड़वारा में नगर गौरव दिवस का प्रथम ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है, जहाँ गौरव दिवस के आखिरी दिन नगर के इतिहास से जुड़ी प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों और धरोहरों के प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आचार्य रजनीश डब्रुघाटी प्रमुख रूप से शामिल, जबकि आपको ये बता दें कि नगर पालिका की स्थापना को 155 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में गौरव दिवस के पहले दिन पूर्व मां नर्मदा की ककरा घाट पर स्तुति की गई, जहां महाआरती के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया। जेल भरो आंदोलन, जिसके तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रैली प्रदर्शन किया गया, साथ ही कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने
पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश की जनता को 36 वादे किए गए थे और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताते हुए आज तक इन पूरे वादों को पूरा नहीं किया। वहीं भाजपा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री बघेल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इस चिलचिलाती धूप में, 38 डिग्री 40 डिग्री धूप है और जेल भरो आंदोलन में जिला हेडक्वार्टर में आए हैं अपनी गिरफ्तारी देने। 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की सरकार ने काला कानून जारी किया है जिसके तहत लोकतंत्र में जो अधिकार हर इंसान को प्राप्त है, धरना का, प्रदर्शन का, जुलूस का, धार्मिक कार्यक्रम का, सामाजिक कार्यक्रम का, लेकिन 22 तारीख के इस प्रदेश सरकार के काले कानून ने 15 बिंदु में आवेदन करने पर बाध्य किया है और 19 कंडीशन है और इस तरह से इतना जटिल कंडीशन है कि उसको फुलफिल करना असंभव है। और एक तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसका 3.5 साल करीब हो गया है आज हर मोर्चे में फेल है, हर जगह सरकार को आक्रोश। राजगढ़ के प्रभारी मंत्री मोहन यादव पर का नरसिंहगढ़ के दौरे पर पहुंचना हुआ जहां उन्होंने कई विकास कार्यों को लेकर लोगों को सौगात दी। वहीं सामुदायिक भवन में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जन समस्याओं को लेकर आम जनता से रूबरू भी हुए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बने रहिए खबर भारत।